वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। ये खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार हो गई है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। खुशखबरी ये है कि इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने यानी कि ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को सोमवार को ये अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दी है। बता दें, भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे DCGI से हरी झंडी मिल गई है। कंपनी ने ये भी कहा कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में पुराना अनुभव है। इससे पहले कंपनी ने पोलियो, रेबिज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। कोरोना वायरस से जुड़े SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग किया गया था। इसके बाद स्ट्रेन को भारतीय बायोटेक को ट्रांसफर कर दिया गया। कोवैक्सीन पहली देसी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। हैदराबाद की जिनोम वैली में अति सुरक्षित लैब की PSL3 बायो सेफ्टी लेवल 3 में इसे बनाया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।